एवरीवन, आज हम लोग क्लास 3 इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संगठन का न्यू पैटर्न 2024-25 का। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं। पहला है रीडिंग कंपैरिजन। रीडिंग में है आपका एक पैसेज, रीड द कंपैरिजन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक पिक्चर भी गिवन है, इससे भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। दीज आर काउज, क्या है ये? काउज हैं। दे आर ब्लैक एंड व्हाइट, दे शेव मो। ये कैसी आवाज निकालते हैं? मू, इस तरह से। दे लाइक टू ईट ग्रास, वी लाइक टू ड्रिंक देयर मिल्क, दे हैव टू हॉर्न्स, हॉर्न्स मीन सींग, जो इनके ये सींग होते हैं ना, इनको हॉर्न्स बोलते हैं। ऑन देयर हेड, कहाँ पे? हेड पे। दे लिव ऑन अ फार्म, ये कहाँ रहती हैं? फार्म पे रहती हैं। चलिए, छोटा सा पैसेज था। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। ओके, व्हाट आर दीज एनिमल्स, क्या एनिमल्स हैं ये? काउज हैं, तो हमारा आंसर होगा काउ। तुमने किसके बारे में पढ़ा? काउ के बारे में। व्हाट साउंड डज काउ मेक, साउंड पूछ रहे हैं ना कि कैसी साउंड है, तो कैसी साउंड है इनकी? मो। वेयर डज काउ लिव, कहाँ रहती है? तो दे लिव ऑन अ फार्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फार्म। वाट आर दीज एनिमल्स, ओके, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे प्लूरल था, बट कोई नहीं, जो क्वेश्चन दिया है आप उसका आंसर लिखेंगे काउ। नेक्स्ट है हमारा, ओके, क्वेश्चन आंसर है मीना वाज एंग्री, वाई मीना क्यों एंग्री थी? वाई क्यों एंग्री थी मीना? क्योंकि मीना वाज एंग्री एज शी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट्स इन टू द वाटर। उसने क्या देखा था? एक नॉटी बॉय था जो पुश कर रहा था बोट्स को वाटर में। तो लिखेंगे यहाँ पे मीना, जस्ट अ मिनट, यस, अब क्लियरली दिखेगा आपको। मीना वाज एंग्री एज शी सॉ ए नॉटी बॉय पुशिंग द बोट्स इन टू द वाटर। नेक्स्ट है वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, तो चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे थे? तो लिखेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट इन द गार्डन। ये क्वेश्चन आप लोगों को टेक्स्ट बुक से याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हाउ डिड मोती फाइंड बादल, मोती ने कैसे ढूंढा था? तो भाई बादल की खुशबू थे, तो लिखेंगे यहाँ पे मोती फॉलोड, मोदी फॉलोड बादल, बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट, पिट मीन्स जो गड्ढा था, नियर द पिट एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और वहां पे जाके भौंकना उसने शुरू कर दिया था, जिससे लोगों को पता चले कि बादल यहाँ पे है। स्टार्टेड वॉकिंग, ओके। नेक्स्ट है ग्रामर में प्लूरल बनाते हैं, राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग ईएस, ईएस एड करके आपको प्लूरल बनाना है। तो है पोटैटो, हो जाएगा पोटैटोज, मैच मैचेस, बस बसेस, क्लास क्लासेस। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रपोजिशंस, ओके। आपको मैंने आपके बुक के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें था बिहाइंड, ऑन, अंडर, इन, बताया भी था कहाँ पे लगेंगे। तो बिहाइंड, ऑन, अंडर, इन, देखिए जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट के पीछे होता है तो हम लगाते हैं बिहाइंड,
जैसे मान लीजिए डॉग है, इस बॉक्स के पीछे है, किसी भी चीज के पीछे होते हैं तो बिहाइंड लगता है, तो ये पीछे के लिए लगता है, पीछे। नेक्स्ट होता है ऑन, किसी के ऊपर कोई चीज रखी होती है, सरफेस टच होता है, बहुत अच्छे से क्लियरली टच सिखाया था, इस तरह से सरफेस टच होना चाहिए तो हम लगाते हैं ऊपर। अंडर जस्ट किसी के नीचे होता है, बिल्कुल नीचे, तो हम अंडर लगाते हैं। इन इन होता है किसी के अंदर, अंदर, तो हम लगाते हैं इन। चलिए अब हम इनको सॉल्व करेंगे। द डॉग इज कहाँ है, बॉक्स के पीछे है ना, तो हम लिखेंगे बिहाइंड द बॉक्स। द रैबिट इज अंदर है तो लिखेंगे इन, द रैबिट इज इन द बॉक्स। द कैट इज इसके ऊपर है तो लिखेंगे ऑन द बॉक्स। द कैट इज अंडर द टेबल, नीचे है तो अंडर। द डॉग इज इन द बॉक्स, उसके ऊपर बैठा हुआ है तो ऑन आएगा, ऑन द बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिव राइटिंग में एक सीन दिया है आपको, पिक्चर, पिक्चर रीडिंग आपको करनी है। वर्ड भी दिए हैं, हेल्पिंग बॉक्स, कुछ वर्ड्स इस तरह से लाइनें बना के इनकी दी हुई हैं। बस आपको इनमें कुछ जो ये फोर हेल्पिंग वर्ड दिए इनको सही जगह पे लगाना है। तो पहला सेंटेंस है दिस इज अ सीन ऑफ अ, अगर आप लोग नए नए हैं, सी क्रिएटिव राइटिंग आती नहीं इस तरह से पिक्चर की, तो मैं आप लोगों को, आप मुझे बताइए, ऐसी ही पहले पिक्चर लेंगे, कुछ सेंटेंस में बनाऊंगी, कुछ शब्द इसमें आपको जोड़ना है। इस तरह से ये स्टार्टिंग होती है क्रिएटिव राइटिंग सीखने की। डायरेक्ट बच्चा सेंटेंस नहीं बना सकता, मुझे पता है, इसलिए स्टार्टिंग यहाँ से करवाई जाती है। तो पहला है दिस इज द सीन ऑफ अ, भाई कहाँ का सीन है ये, आपको दिख रहा है, हेल्पिंग बॉक्स भी दिए, आइसक्रीम, लॉस्ट, साइनिंग, पार्क, पेपर, तो ये कहाँ का सीन है, पार्क का, यहाँ पे लिखेंगे पार्क। फर्स्ट लाइन ये बनी दिस इज द सीन ऑफ अ पार्क। सेकेंड है द सन, सन आपको दिख रहा है खूब लाल है, पीला है, सॉरी, द सन इज ब्राइटली इन द स्काई, तो सन कैसा है, चमकदार, तो यहाँ पे लिखेंगे साइनिंग, द सन इज साइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। ए बेबी इज, भाई क्राई कर रहा है, रो रहा है, बट इसके आइसक्रीम है, लॉस्ट है, पार्क, ओके, लॉस्ट, पुलिस वाला पास में बैठा है इसलिए देख रहा है बच्चा क्या है, खो गया है, तो द बेबी इज लॉस्ट इन द पार्क। टू बॉयज आर प्लेइंग विथ, टू बॉयज खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, किसे खेल रहे हैं, पेपर से खेल रहे हैं, पेपर बोर्ड से, ओके, पेपर बोर्ड से वो खेल रहे हैं। ए लेडी इज ईटिंग एंड, क्या खा रही है वो, आइसक्रीम, तो यहाँ पे लिखेंगे आइसक्रीम। तो इस तरह से आपको क्रिएटिव राइटिंग में सेंटेंस बनाना सीखना है। स्टार्टिंग में पेपर में यही इसी तरह से आएंगे, जैसे आपके थोड़े से पेपर एग्जाम बढ़ते जाएंगे, एनुअल में आपको सिर्फ पिक्चर दी जाएगी और इस तरह से सेंटेंस नहीं दिए जाएंगे, ना ही ये हेल्पिंग बॉक्स दिए जाएंगे, तो आपको अभी से इसकी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है स्पेलिंग। स्पेलिंग में द सर्कल द वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड करेक्टली, ओके, जो स्पेलिंग सही है उस पे हमें सर्कल करना है। ये क्या है, बॉय, तो बॉय की स्पेलिंग इसमें बी ओ वाई, ये कौन है, ब्लैक बोर्ड है, पीछे पेन पकड़े हैं, बुक पकड़े, तो ये टीचर है, तो इसमें टीचर की स्पेलिंग TECHER, ये है वी, जो शहद मधुमक्खी बनाती है, तो ये वी। हाउस की HOUSE, माउंटेन MOUNTAIN, माउंटेन। सन SUN, सन। फ्लावर FLOWER, रेनबो, ये रेनबो। नेक्स्ट आइस EYES, फायर आग FIRE, फायर। ये आपको इस तरह से स्पेलिंग आएंगी, शायद पिक्चर ना आए, मैंने आप लोगों को पिक्चर बना के दिखाई है, पिक्चर आ भी सकती नहीं भी आ सकती है, बट आप लोगों को स्पेलिंग आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है राइट द करेक्ट वॉवेल साउंड टू कंप्लीट ईच वर्ड। ये आपकी बुक से ही है, वॉवेल्स, तो देखिए यहाँ पे एप्पल है, तो यहाँ पे हमको एप्पल, इसमें ऐसे ये वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स, एक बार छोटा सा इंटरव्यू दे देती हूँ। वॉवेल्स अल्फाबेट जो हमारी होती हैं A to Z, तो उसमें AEIOU, ये जो वर्ड्स होते हैं 5, ये होते हैं हमारे वॉवेल्स। बाकी के जो होते हैं VCDFGHK, जो भी होती है XYZ, पूरी
वो उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये होते हैं वॉवेल्स, A-E-I-O-U, याद रखना है इसको, A-E-I-O-U। तो ये कहाँ लगाए जाते हैं, A-P-P-L-E, एप्पल, D-O-G, डॉग, यही सिर्फ आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। बेंच, P-U, बुंच, तो गुच्छा होता है लेकिन इसमें बेंच दिया गया है इसलिए हम बी ई लगाएंगे। ओके, अगर बी यू एन सी एच बुंच होता तो वो गुच्छा हो जाता। चलिए नेक्स्ट है, जस्ट अ मिनट, वैन, तो क्या होता है, वी ए एन, वैन, पिग, पी आई जी, पी यू एस बस, पी डबल ई वी, सी यू पी कप, ये हमारे वॉवेल्स हुए। चलिए नेक्स्ट, ओके पेपर खत्म। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प कर सके, और लाइक कीजिए।